आप याद करें बचपन में जाया करते थे किराने की दुकान पे, तो वहां पे यही ना कि तेल देना, साबुन देना, नाम तो लेते नहीं थे, ब्रांड्स का मालूम ही नहीं था, और जिसने जो उसने दे दिया वो हम लेके आ जाते थे। तो उसी तरह से, और उसके बाद मॉल्स आए, और मॉल्स में टोकरी आई, टोकरी में आप पैराशूट या जो भी ब्रांड डालना है। आई थिंक ओटीटी ने यही किया चॉइसेस दिया है। जो रिटेल के साथ मॉल्स ने किया था, आप एक तो चॉइस और दूसरा एम्पावर कर दिया ऑडियंस को, ऑडियंस के हाथ में। जैसे वो टोकरी थी, जब आप मॉल में जाते हैं, अगर मुझे कुछ पसंद नहीं है तो मैं वापस रख दूंगा। उसी तरीके से अगर देखते वक्त किसी पर्टिकुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म में मैं देख रहा हूँ और मुझे कुछ पसंद नहीं आया है, आई विल जस्ट स्विच ऑफ, उसी समय बंद कर दूंगा या फॉरवर्ड कर दूंगा या चेंज कर दूंगा। तो ये जो पावर है ऑडियंस के हाथ में, एक तो ये आई है, मैं स्वागत करता हूं इसका, मुझे लगता है। लेकिन ओटीटी और सिनेमा, ऐसा नहीं है कि ओटीटी सिनेमा को खत्म कर देगा, मैं ये नहीं मानता। विविड फिल्म्स, साहेब बीवी गैंगस्टर, रिवॉल्वर रानी, बुलेट राजा, सरकार थ्री और तूरबाज के प्रोड्यूसर राहुल मित्रा से आज होंगी गल्ला शल्ला एट सन एंड सैन मुंबई इन माई शो अडे अनफिल्टर्ड। वेलकम टू माई शो अडे अनफिल्टर्ड राहुल जी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अग्रेसिव जर्नलिस्ट से लेकर अग्रेसिव प्रोड्यूसर और अब आपका एक सीन वायरल हुआ है आपकी लेटेस्ट सीरीज में, एक्टर तक का सफर हमारे साथ शेयर करें। सफर तो ऑन है अभी भी, जर्नी स्टिल ऑन, बट मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र से जो मैंने शुरुआत की प्रोफेशनली, उससे पहले हमको अगर आप चाहें तो मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर सकता हूँ, बिकॉज वो बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे शेप करने के लिए, जो भी मैं आज, जो भी मैं कुछ कर पाया और जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ। चंडीगढ़ में पला बड़ा और पिताजी ब्यूरोक्रेट थे, आईएएस ऑफिसर थे, हर हफ्ते अपने तीन बेटों को लेके जाया करते थे फिल्म दिखाने के लिए। हालांकि उनको खुद इतना शौक नहीं था, बट उनको लगता था कि चलो बच्चों की चेंज हो जाएगी, और मैं सबसे छोटा, हम लोग तीन भाई, तो वो जो दौर था फिल्मों का और वो देखना, वो जो एक्सपीरियंस था, माँ, धर्मवीर, ऑल दोस फिल्म्स, आई थिंक उन्होंने उस फिल्मों ने मुझे इतना आकर्षित किया अपनी ओर, एंड आई वाज सो स्टंड टू वॉच। तो मुझे लगता है कि वहां से मुझे फिल्मों का और ड्रामा, थ्रिल, वो जो पूरा एक्सपीरियंस था, वो मेरे साथ रह गया। और शायद वही वजह है, स्मॉल टाउन बॉय हूं मैं, मैन रादर, एंड छोटे शहरों की कहानियों में थोड़ा सा रस होता है, रस्त होता है, ऐसे मुझे लगता है, मुझे भी। तो बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं, ये आपने फाइनली कब डिसाइड किया और कब रियलाइज करके फिर आपने स्विच किया? देखिए, मैं सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड से था, जैसे मैंने बताया, तो मुझे सिविल सर्विसेज, हालांकि मैं हिंदू कॉलेज पे, JNU इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मेरी पढ़ाई उस तरीके से हो रही थी, लेकिन बीच में मुझे लगा नहीं, मैं जर्नलिज्म के प्रति मेरी बहुत रुचि थी, मुझे लिखने का बहुत शौक था। मैं बचपन में चिल्ड्रंस कॉर्नर के लिए लिखा करता था, ट्रिब्यून और तमाम जो न्यूज़पेपर्स थे, तो मुझे लिखने का बहुत शौक था, और फॉरेन न्यूज़ और फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस चूंकि मैंने किया था, तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के फॉरेन डेस्क में ज्वाइन किया एज अ रिपोर्टर कम सब एडिटर। तो मुझे सिविल सर्विसेज में नहीं जाना था, मुझे था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। और जर्नलिज्म जब मैंने एक डेढ़ साल की, और जैसे आपने कहा अग्रेसिव जर्नलिस्ट, तो हाँ अग्रेसिव तो मैं था, क्योंकि हर एक की बीट में घुस जाता था और अलग अलग स्टोरीज। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था आपके बारे में, जहाँ लिखा था कि आपके कलीग्स आपको कहते थे कि आप गो गेटर हैं। ये तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या था या क्या हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि मुझे अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं या कोई मुझे चैलेंज कर दे कि यू कैन नॉट डू दिस, मुझे लगता है कि यार कोशिश तो करनी चाहिए।
तो उस तरह से मैंने कोशिश की, और वेदर इट वॉज कम्युनिटी और पॉलिटिक्स और स्टूडेंट्स के मुद्दे या विमेन्स इश्यूज, मैंने खूब लिखा उस वक्त. और एक डेढ़ साल में मैंने रियलाइज किया कि जर्नलिज्म तो ठीक है और बहुत मजा भी आ रहा है, लेकिन अब मुझे कुछ और सीखने का मन कर रहा है, मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना है. मेरी एक शुरू से एक फितरत रही है जो आज भी है कि मैं जब अपने आप को सेटल, जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सेटल हो गया हूँ, तो फिर मैं अपने आप को अनसेटल करता हूँ. तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं. जी, कंफर्ट जोन मुझे मुझे अच्छी नहीं लगती. हाँ, तो बड़े अच्छी, यू नो, आप पक्की नौकरी हो गई टाइम्स ऑफ इंडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया का पेन लगाया हुआ है. जैसे मिसिंग होता है तो अगेन यू लुक फॉर इट. हाँ, तो मुझे लगा यार अभी तो बहुत कुछ सीखने को बाकी, तो मैंने वहां से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस की ओर सीखने के लिए कि भाई दूसरी साइड. तो मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन की एज मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, और वहां से मेरा एक्सपीरियंस हुआ फॉरेन जाने का, रशिया और वो सब. उसके बाद ट्रैवल इंडस्ट्री कुछ समय तक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, और फिर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया दोबारा ज्वाइन किया. इस और इस स्टिंट में जब मीडिया नेट की जब शुरुआत हुई और पेड एडिटोरियल्स और वो सब दौर था, तो उस समय मैं लिखा करता था, यू नो, राहुल को उल्टा करो तो लोहार होता है. तो मैंने कहा ये तो मतलब नाम ही लोहार है, तो मेरा काम शायद कुछ और है, मुझे कुछ तराशना है या कुछ और. अब ब्लैक स्मिथ तो नहीं, मैं ब्रांड स्मिथ करके एक नाम मेरे जहन में आया, और मैंने रिजाइन करके, और उस समय मेरी बड़ी अच्छी खासी सैलरी और मुझे बहुत मजा भी आ रहा था और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, लेकिन अगेन कंफर्ट जोन से निकल के मैंने एक कंपनी शुरू करी. इसका नाम था ब्रांड स्मिथ, एज अ ब्रांडिंग एंड अ प्रमोशंस कंपनी, और बहुत काम किया कुछ साल तक, 6-8 साल कंपनी को एक स्तर पे लेके आया, काफी MNCs और अच्छे क्लाइंट्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, खूब बढ़िया काम किया. फिर सेटल हो गया. मैंने आपका नाम में देखा एक हैमर है टीम में. जी हाँ, तो जैसे ही सेटल हुआ तो फिर दोबारा समय था हैमर को. फिर मैंने सोचा, ये करीबन 2009-2010 की बात है, जब मैंने सोचा कि अब रुख किया जाए फिल्म इंडस्ट्री की तरफ. और उसके पीछे एक रीजन था, और जो मेन कारण यह था कि अगर आप याद करें तो उस समय जिस तरह की फिल्में बन रही थी वो सब NRI सेंट्रिक फिल्में थी. उससे मुझे कोई परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी उन फिल्मों से. शाहरुख खान वॉज द बिगेस्ट स्टार, वेल ही इज अगेन द सुपर स्टार नाउ, बट वो जो वो फिल्में थी वो देवर लार्जली केटरिंग टू एन NRI सेंट्रिक ऑडियंस. तो मुझे लगा यार कि छोटे शहरों की कहानियां भी तो बोलनी चाहिए ना. और वो छोटे शहर की कहानी कहीं की भी हो सकती है, वो इंदौर हो सकता है, चंडीगढ़ हो सकता है, अहमदाबाद हो सकता है, लखनऊ हो सकता है, लेकिन वो कहानियां बोलना बहुत जरूरी है, उनको देखना जरूरी है. तो कहीं ना कहीं मैं वो मिस कर रहा था, और इसी वजह से साहेब बीवी और गैंगस्टर मैंने पहली फिल्म बनाई. 28 दिन में फिल्म पूरी हुई, एंड व्हिच वाज अ हिट. यस, इट वाज अ सुपर हिट. और उस फिल्म के बाद फिर एक तो ये कि मैं वो बना पाया, लेकिन उससे ज्यादा मुझे खुशी और फक्र इस बात का है कि मैं उस जर्नी का हिस्सा बन पाया जिसने इंडियन सिनेमा के नैरेटिव को कहीं ना कहीं बदला, चेंज किया. क्योंकि अगर साहेब बीवी गैंगस्टर उस समय नहीं आई होती तो फिर उसके बाद जो तमाम फिल्में आई हैं वो नहीं बनती शायद, या लेट बनती. तो उस बात का मुझे बहुत खुशी है, और बहुत आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट दैट आई हैव बीन वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी वेर इंडियन सिनेमाज नैरेटिव चेंज्ड एंड शिफ्टेड टू मोर रूटेड स्टोरीज, टू स्मॉलर टाउन्स, टू द टेल्स दैट यू नो लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू हियर. तो मजा आया. हमारी जो 70% ऑडियंस है वो स्मॉल टाउन से है. जी. वो ही सिनेमा को देखते हैं और सराहते हैं, और वही बॉक्स ऑफिस पे भी कंट्रीब्यूट करते हैं. तो एक स्क्रिप्ट को जब आप सिलेक्ट करते हैं, उस पे इन्वेस्ट करने से पहले क्या खास बातें उस स्क्रिप्ट में देखते हैं? देखिए, मेरे लिए हमेशा एक जो अपील आपको होता है ना, एक सबसे पहले तो एक वन लाइनर हैज टू अपील टू मी.
कहानी तो मैं डेफिनेटली पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि उसका जो जो एक जर्म ऑफ मार्केटिंग उस टाइटल के अंदर, उस कहानी के अंदर, उस वन लाइनर के लिए अंदर होना चाहिए। सिनेमा क्या है कि कॉमर्स और क्रिएटिव दोनों का मिला जुला जो है वो सिनेमा है। तो इसलिए बिजनेस के साथ साथ आपको क्रिएटिव का ध्यान रखना है, क्रिएटिव के साथ साथ बिजनेस का है, और कंटेंट को अगर बॉक्स ऑफिस के साथ मैरी किया जाए, ये मोस्ट आइडल सिचुएशन है जिसके लिए हम सब लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो मुझे अपील करनी चाहिए, उसमें जर्म और मार्केटिंग होना चाहिए, उसमें ऑडियंस के लिए क्या हुक है, क्या इंटरेस्टिंग चीज है वो होनी चाहिए, उसके बाद मैं कहानी पढ़ता हूँ। और मेरे लिए हमेशा कहानी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो किरदार उसमें है और जो कैरेक्टर्स का जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे आप हैं, मैं हूं, हम में से कोई है, आज यहाँ पे जो भी हम एक्सपीरियंसेस कर पाए जिंदगी अभी तक की जो जी है, वो जीते जीते कभी गिरे होंगे, कभी खड़े होंगे, कभी हार कभी जीत, कभी खुशी कभी गम। तो ये जो डिफरेंट शेड्स हैं, ये ट्रेजेक्टरी जो है कैरेक्टर की, यही ऑडियंस देखना चाहती है। अगर एक फ्लैट सी जर्नी होगी तो किसको मजा ही नहीं है उसमें। कैरेक्टर सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स आपको, तो कैरेक्टर सेंट्रिक तो मुझे पता नहीं, लेकिन सिर्फ कहानी नहीं, मेरे लिए वो वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो वर्ल्ड है वो किरदार से, किरदार जितने हैं उसमें वही तो वो वर्ल्ड बनाएंगे। सो नैरेटिव के साथ साथ मेरे लिए कैरेक्टर स्केच और कैरेक्टर ग्राफ और कैरेक्टर की ट्रेजेक्ट्री कि वो कब गिरेगा कब खड़े होगा, एंड द ट्रायंफ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, देन दैट आई थिंक फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोजेक्ट देखते हैं या प्रपोजल देखते हैं? प्रपोजल तो अगर बनाने होते तो शायद फिर मैं तो हर तीसरे महीने कुछ कर रहा होता, क्योंकि सभी एक्टर, काफी एक्टर अब तो दोस्त हैं, मित्र हैं। प्रपोजल मुझे समझ में नहीं आता है, इट हैज टू अपील टू मी। और जितना भी मैं अभी तक का काम कर पाया हूँ, करीबन 13-14-15 फिल्में मेरे हाथों से निकल गई, कुछ 13-14 सालों में बहुत समय नहीं हुआ, बट आई फील वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। कुछ 8-9 मेरे खुद की प्रोडक्शंस हैं, कुछ फिल्में मैंने प्रेजेंट करी हैं, और अब मैं तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि प्रपोजल से ज्यादा उसमें कंटेंट हो जो मुझे एक्साइट करे, कंटेंट है जो मैं खुद देखना चाहता हूँ, खुद मैं जो बनाना चाहता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि उसमें वायबिलिटी, तो ऑफकोर्स देखिए अगर आप ऐसे कुछ बना देंगे जो और वो कमर्शियली वायबल नहीं है, तो कोशिश कर सकते हैं। बाकी तो ऑडियंस का को क्या पसंद है ये पहचानना इस चीज को थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन आप ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं, देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ फिल्म्स, अ गुड फिल्म एंड अ बैड फिल्म, तीसरी मैं तो नहीं जानता कोई फिल्म। आप बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स से भी जुड़े हुए हैं, नेशनली एंड इंटरनेशनली, तो आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है फिल्म फेस्टिवल्स का होना सिनेमा के लिए? देखिए मैंने जब शुरुआत की और मैं जब यहाँ आया, मैं तो किसी को जानता नहीं था, और मैं उस समय सोचता था कि यार काश मैं उसको जानता। तो मेरे पास उस समय कोई राहुल मित्रा नहीं था, सॉरी, बट मेरा मतलब है कि somebody whom I could seek help from, मेरे पास कोई नहीं था। तो अब जब इतना कुछ मुझे मिला इस इंडस्ट्री से, तो मुझे लगता है कि मेरा ये दायित्व है कि मैं इंडियन सिनेमा की फ्रेग्रेंस जहां जहां तक ले जा सकूं, बखेर सकूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मुझे ये छोटे फिल्म फेस्टिवल्स बहुत पसंद है। छोटे से मेरा मतलब है जहां पे हिंदी सिनेमा या इंडियन सिनेमा इतना ज्यादा नहीं गया हो या कम गया हो, वहां पे मुझे जाना ज्यादा पसंद है। जैसे वियतनाम, हंगरी, पोलैंड, कीनिया, और करीबन 13-14 मेरे ख्याल कंट्रीज होंगी अभी पिछले कुछ 6-7-8 साल में जहाँ पे मैं गया हूँ, और वहां पे हमारी फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई, वहां पे इंटरेक्शन करके बहुत मजा आता है। क्योंकि क्या है ना, सिनेमा जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, उस आर्ट फॉर्म में से जो सिनेमा है वो सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव आर्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा इंटरेक्टिव और तो कुछ है नहीं।
तो इंटरेक्टिव जब आर्ट फॉर्म बना है तो जब आप ऑफ स्क्रीन होते हैं तो भी इंटरेक्शन होनी चाहिए. एक तो क्या है, जब फिल्में बनाने के बाद जब आपको एक मौका मिलता है लोगों से इंटरेक्ट करने का, तो वो उसमें एक अपना नशा है, मजा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो मुझे ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये बहुत पसंद है. एंड आज भी कभी कोई कहीं से कोई कुछ मुझे कोई कांटेक्ट करें या, तो मैं हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ. अभी मैं और अनुपम खेर अभी वियतनाम में नमस्ते इंडिया इनॉग्रेट करके आए हैं, और अभी मैं इजराइल गवर्नमेंट इज यू नो इन टॉक्स विद मी फॉर टेकिंग द फर्स्ट एवर फिल्म डेलीगेशन टू इजराइल. तो मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है, और बहुत जरूरी है ये. क्योंकि इंडियन सिनेमा हालांकि OTT के आने से और वैसे भी बहुत इंडियन सिनेमा बहुत उसका कद बहुत बढ़ गया है, तो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन होनी चाहिए. बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ. क्या डिफरेंस है एक थिएटर के प्रोड्यूसर और एक OTT के प्रोड्यूसर में? देखिए डिफरेंट मीडियम्स हैं, लेकिन एंड में तो वही कंटेंट दिखा रहे हैं. सो कंटेंट इज द किंग. लेकिन हाँ, एक रादर देन कि एक प्रोड्यूसर में क्या फर्क है, आई थिंक हमको ये बात करनी चाहिए कि OTT और सिनेमा में क्या फर्क है. तो आप याद करें बचपन में जाया करते थे किराने की दुकान पे, तो वहां पे यही ना कि तेल देना, साबुन देना, नाम तो लेते नहीं थे, ब्रांड्स का मालूम ही नहीं था, और जिसने जो उसने दे दिया वो हम लेके आ जाते थे. तो उसी तरह से उसके बाद मॉल्स आए, और मॉल्स में टोकरी आई, टोकरी में आप पैराशूट या जो भी ब्रांड डालना है. आई थिंक OTT ने यही किया है, चॉइसेस दिया जो रिटेल के साथ मॉल्स ने किया था. आप एक तो चॉइस और दूसरा एम्पावर कर दिया ऑडियंस को. ऑडियंस के हाथ में, जैसे वो टोकरी थी, जब आप मॉल में जाते हैं अगर मुझे कुछ पसंद नहीं है तो मैं वापस रख दूंगा. उसी तरीके से अगर देखते वक्त किसी पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म में मैं देख रहा हूँ और मुझे कुछ पसंद नहीं आया है, आई विल जस्ट स्विच ऑफ, उसी समय बंद कर दूंगा या फॉरवर्ड कर दूंगा या चेंज कर दूंगा. तो ये जो पावर है ऑडियंस के हाथ में, एक तो ये आई है, मैं स्वागत करता हूं इसका, मुझे लगता है. लेकिन OTT और सिनेमा, ऐसा नहीं है कि OTT सिनेमा को खत्म कर देगा, मैं ये नहीं मानता. आई थिंक एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो एंड एक्सपीरियंस. वो जो सिनेमा का जो बैठने का जो तालियां, जो एक एक्सपीरियंस है जिस बड़े पर्दे पे देखने का, वो हमेशा रहेगा. और आप देखिए हाल फिलहाल में जो फिल्में जिस तरह से वापसी हुई है पोस्ट कोविड, बहुत इट इज सो इनकरेजिंग एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट के इंडियन सिनेमा इज बैक अगेन इन द हॉल्स एंड इट विल ऑलवेज बी. हाँ, OTT ने हमें एंटरटेन किया जब कोविड था. OTT ने डिसरप्टिव कंटेंट बहुत सारा लेके आए. उससे क्या है कि हम सब लोग थोड़े से एज पे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, अपने कंफर्ट जोन से निकले, जिसका जो मुझे पसंद है हमेशा. अभी क्या है कि चूंकि इतनी चॉइसेस हैं ऑडियंस के पास, तो हम सब लोग सतर्क हो गए हैं, बिकॉज वी नो एंड ऑडियंस इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. उनको सिनेमा में अगर लेके आना है तो आपके कॉन्टेंट में एक हुक होना चाहिए, एक पुल होना चाहिए, और सो दैट वो ट्रेलर देखें और वो देखने के बाद आपके आने चाहे. तो वो मुझे लगता है एक कॉम्पिटिशन है. बट सिनेमा एंड OTT इज नॉट ओनली विल दे को एग्जिस्ट बट दे विल को थ्राइव, ये मेरा मानना है. तो एक क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है एक फिल्म मेकर की सोसाइटी के प्रति, क्योंकि अभी OTT आ गया, हर तरह का कॉन्टेंट वहां पे है. जब एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया जाता है तो हम क्या परोस रहे हैं अपने समाज को, एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? देखिए, इसमें मेरा ये मानना कि सबसे पहले तो ये चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है कि सोसाइटी ने सिनेमा को बदला कि सिनेमा ने सोसाइटी को बदला. और इस ये बहस में तो हम बहुत लंबी बहस हो सकती है इस पे, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा. लेकिन सबसे पहले तो क्या है कि मेरी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे पहले तो खुद के प्रति है, ये मेरा मानना है. और अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मैं वो नहीं बनाऊंगा, सोसाइटी बाद में आएगी, पहले मैं, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, उसके बाद आएगी. और सबसे पहले तो मुझे खुद के लिए सिनेमा बनाना है, इसीलिए तो मैं आया हूँ. तो ऐसे कोई बहुत लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. एंड ऑफ द डे वी आर फिल्म मेकर्स, वी वॉन्ट टू
एंटरटेन द ऑडियंसेस। हम यहाँ कोई लिखाई पढ़ाई करने तो आए नहीं है, उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसके लिए स्कूल कॉलेजेस हैं, माँ बाप ने सिखा के भेजा हमें। हाँ, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फिल्म मेकर्स ये बनती है कि आप कोशिश, जहां से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि लिखावट में या जो आप बना रहे हैं कुछ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो रिग्रेसिव हैं, जो आपको वापस ले जाएंगी। जैसे मसलन 80s की अगर मैं बात करूं, उस समय सडनली, पहले तो विमेन सेंट्रिक फिल्में बहुत सारी आती थी, सीता गीता आप देखें, मदर इंडिया खूब बनती थी विमेन सेंट्रिक फिल्में। सडनली 80s के दौर में एक्शन आया एंड आई थिंक विमेन वर रेलिगेटेड टू द बैकग्राउंड, कि वो एक्सेसरीज बन गई या हीरो की या विलेन की, चूंकि बहुत सारा एक्शन हो रहा था और वो थोड़ा फेज ऐसा था कि जिसमें मैं बहुत अच्छा कंटेंट जनरली नहीं आया उस वक्त। तो वो रिग्रेशन और वो जो लिखावट जिस तरह से उस समय थी वो कभी अब देखने को मिलती है तो मुझे थोड़ा बड़ा कोफ्त है उस चीज से। मैं उदाहरण दे सकता हूं अगर आप नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़ा पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मैंने एक शो देखा रिसेंटली, पिछले साल शायद, और वो जब मैं शो देख रहा था तो उसमें एक महिला है, वो किसी के कमरे से, पॉलिटिशियन के बेटे के कमरे से बाहर निकल के आ रही है और उनके बीच में कुछ चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ऊंची ऊंची सब गर्मा गर्मी चल रही है, और सडनली ये जो शख्स हैं वो इस महिला ऐसे, शी इज जस्ट वॉकिंग अवे और वो उसके बैक साइड पे लात मारता है। देख के बड़ा एक लगता है कि ये लिखने की क्या जरूरत थी, ये सीन करने की क्या जरूरत है, आप उसको गोली मार दो, आप खंजर से कर दो, आप स्लैप कर दो, वायलेंस दिखा दो। ये मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन मुझे वो सीन देख के बड़ी तकलीफ हुई कि ये कोई, मुझे लगता है दिस इज पार्ट ऑफ सम यू नो रेग्रेसिव राइटर्स रूम, नॉट प्रोग्रेसिव, जिसमें 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 बोला गया कि अरे वो औरत है उसके पिछवाड़े में मारना, तो ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तो ऐसे मुझे लगता है इस टाइप की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गाली गलोच बिना किसी बात के ना करें। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी, कोशिश करता हूँ मैं अपनी फिल्मों में गाली गलोच ना करूं, क्योंकि देखिए एक हम लोगों को एक वर्ल्ड क्रिएट करना होता है, अब उस वर्ल्ड में ऑडियंस को उतारना है, तो उस वर्ल्ड में जो भी होता होगा उसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक तो करना है जी। लेकिन रियलिस्टिक बनाने के लिए थोड़ी ना कि आप इतना रियलिस्टिक बना दें, फिर तो सिनेमा का मतलब नहीं रह जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बैलेंस जरूरी है, वो वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग लाइन्स यूज कर सकते हैं, आप उस फिल्म का नैरेटिव ऐसा बना सकते हैं, तो वहां पे मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम फिल्म मेकर्स की, राइटर्स की, डायरेक्टर्स की, सबकी मिल के जो फिल्म इंडस्ट्री में है, कि इस टाइप का रिग्रेशन जो है वो ना हो। तो सेंसिटिव टॉपिक्स को शूट करते हुए आपके जो मेकर्स हैं, आपके डायरेक्टर राइटर्स को आप कोई टिप्स या हिदायत देते हैं कि इसको इस तरह से शूट करें कि कोई ऑफेंस ना ले? देखिए डेफिनेटली डिस्कशन होती है, और आजकल अभी हाल फिलहाल में ऑडियंस को क्या चीज पसंद आए और क्या नहीं आए, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर पीपल यू नो रिलीजियस इनटॉलरेंस ऐसा दर्शाया गया कुछ फिल्मों में, या लोगों को लगा या उनको लगा कि उनको ठेस पहुंचा है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर पहले कभी पीपल गॉट अवे विद दिस, मुझे लगता है अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग मच अवेयर हैं आज, इतने सारे एवरीबडी इज एजुकेटेड, बच्चों को मालूम है पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सो सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोशिश करना चाहिए टू स्टीयर अवे फ्रॉम बेफजूल की कंट्रोवर्सी करने की जरूरत है। आप स्टिक करिए अपने नैरेटिव पे, स्टिक करिए अपनी कहानी पे, अपनी परफॉर्मेंसेस पे, और एक मजेदार एंगेजिंग कंटेंट रूटेड होना चाहिए। रूटेड का यह मतलब नहीं कि आपने कोई शो बना दिया और जिसमें क्या बे कर रहे हो बे, उसकी बात मैं रूटेड नहीं कर रहा हूँ कि यू नो उस टाइप का, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायलेक्ट में बना दिया तो रूटेड, रूटेड का मतलब ऑनेस्ट टू द वर्ल्ड दैट यू आर केटरिंग टू, रूटेड टू द
टू द कॉज, तो उस तरह से रूटेड कहानियां आप बताइए ऑनेस्टी के साथ, और जितनी ऑनेस्टी के साथ आप कहानी लिखेंगे और कहानी बताएंगे, मुझे लगता है ऑडियंस सूंघ लेगी। ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। बिकॉज यू आर अ राइटर एज अ जर्नलिस्ट एज वेल, तो राइटर्स रूम का हिस्सा होना पसंद करते हैं, आज भी टिप्स देते हैं? देखिए, मेरी हमेशा मैं इंटरफेरेंस से ज्यादा एंगेजमेंट में बिलीव करता हूँ, और मुझे लगता है कि मतलब मैंने क्या कहा, हाफ ऑफ मी इज क्रिएटिव, हाफ ऑफ मी इज कमर्शियल, तो मुझे बैलेंस करके रखना पड़ता है। लेकिन जितने भी लोगों ने मेरे साथ काम किया है आज, मुझे लगता नहीं कि कोई ये कोई भी क्रिएटिव पर्सन आज ये कह पाएगा कि राहुल ने ऐसा किया या राहुल ने दबाया। इनफैक्ट मैं एक शो अभी डेवलप कर रहा हूँ, और काफी बड़ी कमर्शियल राइटर हैं जो लिख रही हैं, और बहुत मजेदार, इट्स अ पॉलिटिकल थ्रिलर, उसके बारे में बात करेंगे जब फाइनलाइज होगा। तो जब हम बैठे और मेरे पास वो आई और उन्होंने कहा कि रिसर्च ओरिएंटेड, आई टेक मी सो मेनी मंथ्स, मैंने कहा व्हाई सो लेस, टेक मोर मंथ्स, तो ऐसे देखने लगी। तो मुझे समझ में आता है ये, यू गिव स्पेस, हाँ बहुत जरूरी है, और मैं रियल लाइफ में भी वैसा ही हूँ कि आप you know, I think it is better to be loved than feared. That's what I feel. और सबको साथ लेकर चलने में कोई हार्म नहीं है। हाँ, आप अपना व्यू पॉइंट रखें, आप अपना व्यू पॉइंट, आप इंगेजमेंट करें, कुछ गलत लग रहा है तो उसको बिल्कुल ना करें, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि साथ में लेकर चलना चाहिए। आई हैव हैड वंडरफुल एक्सपीरियंसेस, सम बैड एक्सपीरियंसेस एज वेल, बट सम वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। जब किसी राइटर, एक्टर और डायरेक्टर के साथ आप कोलैबोरेट करते हैं, तो उनमें टैलेंट देखते हैं या दे हैव टू बी अ प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर? मैंने जैसे अभी आपसे जिक्र किया कि मैं इंगेजमेंट में बिलीव करता हूँ, इंटरफेरेंस में नहीं, तो रादर देन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर, आई थिंक आई एम नोन एज अ डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर। मेरे कुछ मित्रों से अगर आप बात करें तो वो यही कहेंगे यार कि पुराने जमाने के हैं राहुल जी। पुराने जमाने का मतलब कि देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंसिबिलिटी, द सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सन, और चूंकि मैं उस स्पेस में रह चुका हूँ, चूंकि मैं वो सब कर चुका हूँ, तो मुझे समझ में आती हैं ये बातें, और सीखने को मिलता है, और आप अपना व्यू पॉइंट रखें, लेकिन आई थिंक आई बिलीव मोर इन इन कोलैबोरेशन। और मजा आया हमेशा राइटर्स रूम का, मैं हिस्सा बिल्कुल रहता हूँ, और रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना रिसोर्सेस किसी प्रोजेक्ट में, तो जितनी मेहनत लिखावट पे हो, जितनी मेहनत बाइबल पे हो, स्क्रिप्ट पे हो, उतना ही सटीक आपका प्रोजेक्ट बनेगा, उतना ही सटीक आपकी फिल्म, उतना ही बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो मेरे लिए मैं लिखावट को बहुत तवज्जो देता हूँ। कोई आउटसाइडर जो इंडस्ट्री में आना चाहता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहता है, वो नेटवर्किंग कैसे करे, मतलब आप तक कैसे पहुंचे या किसी भी तक कैसे मैंने पहुंचे? अब जैसे मैंने कहा कि जब मैं यहाँ आया तो मैं तो किसी को जानता नहीं था, और बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं। शुरू शुरू में डायरेक्टर मुझे जैसे सपोज वो कुछ भी बोलता था कि यार वो रेके के लिए जाना है, मेरिडियन में कमरे नहीं मिल रहे, फॉर इंस्टेंस, सो आई वुड जस्ट पिक अप, टेक द फोन एंड हेलो, ये लो बात करो, ठीक है, मैं कि मेरिडियन के जीएम है, बताओ कमरे चाहिए, अरे यार तुम फोन दे देते हो, बड़ी गलत आदत है ऐसे फोन। फिर कुछ समय के बाद तो जो भी मेरे उस समय के नेटवर्क्स थे, नॉन फिल्मी नेटवर्क्स, तो स्लोली स्लोली हुआ, अरे राहुल को देखो, फोन दे देता जट से। कट टू कुछ सालों के बाद जब मैं कुछ फिल्में बना चुका था, राहुल की ये बात कमाल की, झट से फोन दे देता। जिस चीज के लिए मैं पहले क्रिटिसाइज हो रहा था, उसी चीज के लिए बाद में लोग कह रहे थे अरे अरे वाह राहुल जी कमाल है, मतलब क्या नेटवर्क। तो नंबर वन मुझे लगता है कि हर एक इंसान की एक फितरत होती है, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। हाँ, अब मतलब मैं बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिलता हूँ, बिकॉज you know, you end of the day you have to reduce your circle as well, क्योंकि आपको थोड़ा और चीजों पे focus करना है, आपको you know, having worked so much, लेकिन मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, और मैं उनसे सीखना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ interact करना बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, लेकिन ये है कि मैं एज फॉर नेटवर्क की कंसर्न की बात है, अब मुझे थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती है कि ये सेनर्जाइज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. सो आई रियली हैव टू लाइक समबडी, फिर उसमें काम की कोई अहमियत नहीं है कि अगर मुझे कोई शख्स पसंद है तो मैं फिर बिना काम के मिलूंगा. लेकिन अगर मैं काम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा हूँ तो फिर मुझे ये बहुत जरूरी है कि वो क्वालिटीज होनी चाहिए और वो एक सिनर्जी होनी चाहिए, तो वो मैं जल्दी भांप लेता हूँ. एनीवे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक नेटवर्किंग करें, मुझे लगता है आपका जो कोर स्किल सेट्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं सबसे पहले. तो हर शख्स की कोई ना कोई स्किल सेट्स होती है, उसके क्राफ्ट पे काम करें, उस पे काम करो. नेटवर्किंग करने का तभी फायदा अगर आप में कुछ क्षमता है, क्योंकि आप नेटवर्किंग करके क्या कर लेंगे. अगर आप में कोई खुद में कोई कंटेंट ही नहीं है या आपके पास कोई स्किल सेट्स है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे नेटवर्क करके? फिर आप बैठे रहेंगे, लोगों की बड़े बड़े आप सेशंस में जाएंगे, एक्टरों के, डायरेक्टर्स के, कोई डायरेक्टर आपको बुलाएगा और आप जैसे नमस्ते करेंगे, वो नमस्ते करके पाउच हूँ, ऐसे भी डायरेक्टर हैं कि आप नमस्ते करें, ऐसे हम हंसते हैं, हम ऐसे डायरेक्टर्स पर क्या थे, आओ आओ नमस्ते किया, ऐसे आओ आओ आओ. तो आप वो बन के रह जाएंगे. यू डोंट हैव टू डू दैट. आपको अपना एक मुकाम बनाना है, उसके लिए आप अपने कोर स्किल सेट्स पे कोशिश कीजिए. जैसे मैंने कहा कि लिखावट, जनरल नॉलेज, आप सोसाइटी को जानिए. आप फिल्मों में उतरना चाह रहे हैं, सोसाइटी को समझने के लिए पॉलिटिक्स को समझिए, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स को समझिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. तो मुझे लगता है कि इस टाइप के जो ट्रेड्स हैं मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, कि करेज, कंपैशन, सीकिंग विजडम, ये मेरे लिए बहुत बड़े ट्रेड्स हैं. क्योंकि आप में अगर करेज नहीं होगा तो आप चॉइस नहीं कर पाएंगे, आप में कंपैशन नहीं है तो आप लोगों के साथ मिलके सिनर्जाइज नहीं कर पाएंगे. लोग कहेंगे ये तो मतलब ही है, अपना काम निकल गया तो खत्म हो गया. और विजडम पे अगर आप सर्च नहीं करेंगे तो आप नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो इस टाइप की चीजों पे आप पहले फोकस करें, जिंदगी जिए, घूमें फिरें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और नेटवर्किंग, यू जस्ट हैव टू गो आउट. सुना है समंदर को बहुत गुमान आया, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया. So you have to just get out. You have to just get out and get in. Get in. Into the storm, like the eagle. तो कोई challenging moment आपके अभी तक के experience में as an actor or as a producer हो, जो आप हमारे साथ share करना चाहें, जिससे हमें भी lesson मिले? देखो, बिना challenge के तो मजा ही नहीं है, और बिना challenge के तो जिंदगी फिर का कोई मायने नहीं रह जाएगा. तो challenges तो बहुत सारे आए और आते रहेंगे और आने भी चाहिए. ऐसा कोई पर्टिकुलर चैलेंज या कोई मेमोरेबल नहीं कि वो फिल्म नहीं चली या वो पैसा ले गया या साहब आपके पहली पिक्चर का पैसा सम डिस्ट्रीब्यूटर तो या यू डिड सो मच फॉर अ डायरेक्टर एंड ही मूव्ड ऑन. ये चीजें मुझे लगता है कि इनका कोई मतलब नहीं रह जाता जब आप आगे मूव करते हैं लाइफ में, बिकॉज ये सब लेसन हैं जो आपको और मजबूत कर रहे हैं और आपको दे आर मेकिंग यू रेडी टू हिट द हाई सीज. कहते हैं ना कि कश्ती है वो बहुत अच्छी लगती है खड़ी हुई हार्बर में, बट दैट्स नॉट वेयर इट इज मेंट टू बी. द शिप इज मेंट टू बी इन द हाई सीज एंड दैट इज वेयर वी शुड ऑल बी. तो चैलेंजेस से मैं कभी नहीं घबराता, कभी नहीं डरता. कोशिश करता हूँ कि मैं हर चैलेंज का सामना करूँ और अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, बहुत ब्लेस मानता हूँ. शुक्र है ऊपर वाले का, माँ बाप का, दैट मुझे बहुत कुछ मिला इस इंडस्ट्री से. और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ इस चीज़ को, 2009-2010 में मैंने रुक किया था इस और, तो मुझे लगता है 13 साल में नॉट बैड. एंड आई एम स्टिल एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ इट. मेमोरेबल एक्सपीरियंस अभी तक के सारे प्रोजेक्ट्स में से सबसे बेस्ट किसका रहा है? देखिए, हर प्रोजेक्ट का कोई बहुत ही मेमोरेबल होता है, लेकिन जब मैं टोरबाज शूट कर रहा था किर्गिस्तान में, इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट फिल्म मेकर टू शूट एनी इंडियन फिल्म इन किर्गिस्तान. अब तो कुछ काफी फिल्में वहां चली गई हैं, तो उस जगह का टेरेन बहुत टफ है.
और हम लोग दिसंबर में शूट कर रहे थे -20 -30 क्योंकि वहां सडनली ऐसे विंड आता है और एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप होता है और बहुत ही खूबसूरत है अगर आपने फिल्म देखी हो तो उसमें तो संजय दत्त और मैं तब तक भाई बन चुके थे जो हम एज यू नो इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स तो वहां उस शूट पे बहुत मजा आया वहां के बहुत सारे किस्से भी को संजू और मेरे इंटरेस्ट भी बहुत सारे कॉमन है हम लोग आउटडोर वी आर वेरी बोथ ऑफ अस वेरी आउटडोर पीपल सो वहां पे बहुत सारे मेमोरेबल चीजें थी भेड़ों को हमने चलाया और खाना एंजॉय किया और ठंड का लुत्फ लिया और ड्राइव्स पे गए तो इट वाज अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस बट लाइक आई सेड एवरी फिल्म एवरी प्रोजेक्ट एवरीथिंग हैज बीन मेमोरेबल फॉर मी किसी भी स्टेट की अगर शूटिंग पॉलिसीज कोऑपरेटिव हो तो वहाँ का टूरिज्म ब्लूम करता है तो आपका पसंदीदा स्टेट कौन सा है जहाँ आप अपनी फिल्म्स को शूट करना पसंद करते हैं जो कॉस्ट एफिशिएंट हो बुलेट राजा से मैं उत्तर प्रदेश गया था साई बीबी गैंगस्टर से मैं गुजरात में शूट किया था भिटोरबाज किर्गिस्तान तो रिवॉल्वर रानी वॉज मध्य प्रदेश सो आई थिंक लेकिन हाँ बुलेट राजा से क्या हुआ कि करीबन 80 से ज्यादा दिन हमने शूट किया उत्तर प्रदेश में तो उसके बाद वहां की सब्सिडी की पॉलिसी बनी आई वॉज द फर्स्ट फिल्म मेकर टू गेट सब्सिडी दैट टाइम उससे क्या है कि शूटिंग्स वहां तमाम शुरू हो गई बुलेट राजा के बाद और आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए बहुत सारी फिल्में बन रही हैं फिर अभी हाल फिलहाल में मैंने अरुणाचल प्रदेश के लिए टूरिज्म कैंपेन करी विद संजय दत्त that's probably one of the largest tourism campaigns अभी हाल फिलहाल में उनके 50 year celebrations की मैंने campaign की और foreign countries में भी जहां भी हम जाते हैं subsidy के ऊपर बात तो मुझे लगता है ये तो सबसे पहले कहानी को मैं ज्यादा तवज्जो देता हूँ कि वो कहाँ पे सेट हो सकती है थोड़ा बहुत आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन हाँ सिर्फ एक जगह पे सब्सिडी मिल रही है तो मैं फिल्म जनरली नहीं लेके जाऊंगा किर्गिस्तान में मुझे कोई सब्सिडी नहीं मिली बट मैं किर्गिस्तान में गया तो लेट द स्टोरी डिफाइन द लोकेशन एंड वंस एंड लेट द लोकेशन बी द रियल हीरो ऑफ द फिल्म आप देखेंगे मेरी फिल्मों में ज्यादातर आपको अलग अलग लोकेशंस मिलेंगी आउटडोर लोकेशंस को मिलेंगे तो मेरे लिए आउटडोर लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फिल्म को एक पर्टिकुलर फ्लेवर देती हैं और जैसे मैंने कहा द रियल हीरो ऑफ अ फिल्म कैन बी द लोकेशन तो जहां भी मुझे अच्छा लगता है मैं जाता हूँ और नई जगह पे अगर आप जा रहे हैं जैसे वियतनाम में पहली दफा गया 2015-16 में तब तक वहां कोई फिल्म क्रू गया ही नहीं था और वहां उसके बाद करते करते और अभी आप देखिए बहुत सारी फिल्में वहां शूट होना शुरू हो रही हैं मैं भी शायद शूट करूंगा वहां पे जल्द तो राहुल जी नए एक्टर्स राइटर्स और डायरेक्टर्स को बहुत कम प्रोड्यूसर्स हाथ लगाते हैं बहुत कम प्रोड्यूसर्स रिस्क लेते हैं इसका क्या रीजन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ प्रूव नहीं किया होता ना फ्रेश स्लेट तो थोड़ा सा लगता है कि दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज लेकिन मैंने कोशिश की है फ्रेश टैलेंट के साथ काम करने के लिए जब मैं आया मेरी पहली फिल्म देखी अब सबने मना किया क्या कर रहे हो बिकॉज ऐसा नहीं कि मतलब दिक्कतें आई मुझे लेकिन उसके बाद बोला अरे वाह क्या चॉइस थी एक्टर्स की एंड ऑल ऑफ दैट तो कहीं ना कहीं आपको ये डिसीजन लेना है लाइक आई सेड यू हैव टू बी कन्विंस्ड अबाउट द कंटेंट यू आर बैकिंग एंड द पीपल दैट यू वर्किंग हाउ यू विल सेल इट फर्स्ट यू हैव टू बी कन्विंस्ड अबाउट द कैपेबिलिटीज इन डिलीवरिंग व्हाट दे आर प्रेजेंटिंग टू यू वो आप में थोड़ा एक सेंस होनी चाहिए और उसके बाद फिर जो आपने कंटेंट क्रिएट किया फिर उसको जैसे मैंने कहा बॉक्स ऑफिस के साथ मैरी करने के लिए आपको इसीलिए मैं कहता हूँ कि हाफ क्रिएटिव एंड हाफ कमर्शियल आई थिंक इज द मोस्ट आइडियल थिंग टू बी इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज सिनेमा है ही वो आधा वो कंटेंट है और आधा वो कॉमर्स है तो कंटेंट और कॉमर्स को आपको हमेशा साथ में लेकर चलना है मुश्किल है आसान नहीं है लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा जी सो फ्रेशनेस देखने के लिए हमारी ऑडियंस वेट कर रही होती है फ्रेश टैलेंट जो है फ्रेशनेस लेकर आता है बिल्कुल लेके आता है और बिल्कुल काम करना चाहिए बिकॉज एक अलग पर्सपेक्टिव है और जैसे मैंने कहा कि मैं तो अब आपको मिलने से पहले अभी मैं बहुत ही यंग
राइटर डायरेक्टर एक्टर टीम के साथ बैठा हुआ था, हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है। फ्रेडरिक नीत्शे राइटर फिलोसोफर तो क्या, मीन वी हैड अ वेरी कंट्रोवर्शियल लाइफ, बट ऐसे कहा जाता है कि इवन हिटलर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो एक चीज कहा कर उन्होंने कहा था कि जस्ट लाइक द स्नेक हु डज नॉट शेड इट्स स्किन डाइज, सिमिलरली अ माइंड दैट डज नॉट इवॉल्व गेट्स फिनिश्ड। तो मुझे लगता है कि ये इवॉल्व करने के लिए आपको, और ये हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी दिक्कत है, अरे हमारे टाइम पे ऐसा था, टाइम चला गया, अब जो आने वाला समय है, जो आने वाला टाइम है, उसको समझिए, देयर इज सो मच ऑफ टैलेंट अराउंड, यंग पीपल आर जो लिख रहे हैं, जो वो इनैक्ट कर रहे हैं, जो वो अपने साथ एक्सपीरियंसेस लेके आए हैं, उनकी जिंदगी से लेके आए हैं ना। देखिए क्या होता है कि दो तरह के इंसान होते हैं मेरे हिसाब से, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइन। प्रोफेशनली अगर बोला जाए तो एक फिल्म मेकर वो होते हैं जो सिनेमा को देख देख कर सीखते हैं, सिनेमा से इतने प्रभावित होते हैं कि अरे उस फिल्म में ये शॉट था, मैं इसको ऐसा शूट करूंगा, रेफरेंस निकालते हैं हमेशा, दे ओनली टॉक इन टर्म्स ऑफ वो उस पिक्चर में ये हुआ था। चलो कॉपी पेस्ट ना भी हो, उसमें कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक आई सेड, बट वो इतनी ज्यादा अपने रोजमर्रा की जिंदगी में दे गो बैक टू दोज रेफरेंसेस, उनको मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट ऑफ सिनेमा। और देखिए कुछ ना कुछ रेफरेंस तो अच्छी बात है, लेकिन हमेशा वहां जाना मुझे लगता है थोड़ा खटपट है ना, कुछ सिग्नेचर होना चाहिए उस पे। और दूसरे जो फिल्म मेकर्स हैं वो हैं प्रोडक्ट ऑफ लाइफ, जिसमें मैं आई वुड लाइक टू कंसिडर माई सेल्फ एज वन, जो जिंदगी आपने जी है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंडियन अमेरिकन आर्मी जब वर्ल्ड वॉर में फाइट करके वापस लौटी, तो उनका कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ उनकी मेंटल एज को मैप करने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ देयर द टाइम उनकी जो मेंटल एज है वो 13-14 साल थी। तो ये हमको क्या बताता है, ये चीज हम ये समझ में आते हैं कि हमारे जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, यू नो 13, 14, 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ईयर्स होते हैं हर एक के, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हर एक के लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, बिकॉज That is the time you're experiencing a plethora of emotions. Mm-hmm. Your body is changing. Mm-hmm. You're entering puberty. Mm-hmm. उस समय जो आपके expressions हैं, उस समय जो आपके emotions हैं, वो जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं। Mm-hmm. और उस समय जो आपकी vibrancy है, और उस समय तो इसलिए बोलते हैं कि lot of what you do in later life is dependent on your childhood. देखते नहीं serial killers के show बचपन में ये हुआ था। Mm-hmm. तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा बहुत ही अच्छा चाइल्डहुड था, सिक्योर चाइल्डहुड था। हाँ मैं पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करता था, गाय भैंसों और मुर्गियाँ और कुत्ते और मैंगो ट्रीज और अमरूद के पेड़ों में ही ज़्यादा समय बिताता था। में इतना सब का आपका फार्म है वहाँ कोई? Like I said, IAS officer का बेटा, बड़ी बड़ी कोठियाँ मिलती थी। हाँ। और मुर्गी खाना भी बंद था वहाँ पे। और पिताजी भी बहुत रूरल लाइफ को पसंद करते थे, क्योंकि वो भी वहीं से निकले थे, यू नो जालंधर के एक स्मॉल कस्बे में उनका जन्म हुआ था, तो उनको बहुत शौक था जानवरों का। और आज भी मैं, आप देखिए हम कहाँ बैठे हुए हैं, कितना मजा आ रहा है, पंछी बोले पानी हो, यहीं पे रियल आनंद आता है। जैसा कि आपने कहा इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, मैंने देखा आपका बॉन्ड जो है, आप जिनके साथ काम करते हैं एक्टर्स के साथ, वुड यू लाइक टू मेंशन अबाउट देम, ये इतना दोस्ताना जो इतना अच्छा बॉन्ड कम समय में आप बना लेते हैं, कैसे जीत लेते हैं लोगों को? बाय जस्ट बीइंग व्हाट आई एम, यू नो ओशो सेज एंड सोक्रेटिस एंड लॉट ऑफ अदर पीपल दैट वी हैव रेड, उनका जो क्रक्स है वो यही है, डोंट ट्राई Just be what you are. तो मुझे लगता है कि जो pretense है वो मुझे कभी समझ में आया नहीं। मुझे लोगों ने बहुत चीजों के लिए criticize किया, उन्हीं चीजों के लिए मैं बाद में तारीफ करने लगे, अरे क्या बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। So
सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, जिंदगी बदलती है, आप जिसमें कन्विंस्ड हैं आप वैसे रहिए, बहुत कोशिश मत कीजिए, बिकॉज समबडी हु प्लीजेज एवरीबडी प्लीजेज नन. तो मैं वही रहा और मुझे लगता है वही मेरे रिलेशनशिप्स में, चाहे वो संजय दत्त हैं, चाहे वो अर्जुन रामपाल हैं, चाहे वो रणदीप हुड्डा है, चाहे वो जिमी शेरगिल हैं, चाहे वो जैकी श्रॉफ हैं, तमाम मेरे बाकी इतने सारे एक्टर्स के साथ जो मैंने काम किया है, और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ काम नहीं किया और शायद हाल फिलहाल में करूंगा, लेकिन मेरे बॉन्ड्स रियल कोशिश करता हूँ. क्योंकि मैंने शुरू में सुना था नहीं नहीं यहाँ प्रोजेक्ट बेस ही सब कुछ होता है और प्रोजेक्ट के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, मैं नहीं मानता, और उसका जीता जाता सबूत आपके सामने बैठा हुआ है. बहुत प्यार मिला और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्टर्स एंड क्रिएटिव पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड यू नो वेयर द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, वॉट द जर्नी हैज बीन एंड वॉट आई इंटेंड डूइंग. तो मैं एक ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे आया था और मुझे, और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ ये जो स्पेस है और इतना कुछ मिला इस इंडस्ट्री से. आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर वट एवर लिटल दैट आई बीन एबल टू डू, बट इट्स बीन मैजिकल. कमिंग बैक टू दैट थिंग वेरी क्विकली, जो मैंने कहा कि इसे प्रोडक्ट ऑफ लाइफ और प्रोडक्ट ऑफ सिनेमा है. पर्सनल लेवल पे भी दो तरह के लोग होते हैं, वन हु डोंट बिलीव इन मैजिक एंड द अदर हु बिलीव इन मैजिक. आई कम फ्रॉम द अदर. मेरे साथ तो मैजिक हो रहा है, अभी भी मैं आपके साथ बैठा इस लवली शो पे, इज़न्ट दिस मैजिक? इट इज मैजिक. सो अब जैसे कि आप अपने एक्टिंग करियर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब आप एक एक्टर के शूज में अब आप आए हैं, तो क्या आप एक एक्टर के ओपिनियन को अब समझ पाते हैं? जब आप प्रोड्यूसर थे, हो सकता है तब आपको लगता हो अरे ये कितना पैसा मांग रहा है या ये क्या एटीट्यूड दिखा रहा है, तो अब आप एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझ पाते हैं? अब तो मैं और फैलने लगा हूँ एक्टर फ्रेंड्स पे. ऑन द कॉन्ट्ररी, नो जोक्स अपार्ट, आई थिंक जैसे आपने मेरे कुछ शुरुआत की फिल्मों में देखा था, एक अक्का दक्का सीन इधर कहिए तो कैरेक्टर नहीं मिल रहा, एक रॉयल कैरेक्टर नहीं मिल रहा, चलो प्रोड्यूसर को पैसे भी बचे गए, कर भी लिया. शुरू में तो बिल्कुल मस्ती था, बट अभी फिर मुझे लगता है इंस्पेक्टर अविनाश जो जियो पे आया, उसमें जब नीरज पाठक अप्रोच मी फॉर अ सीन, की दो तीन सीन है, और वो फिर मैं विधायक जगजीवन यादव का मैंने रोल उसमें किया, वो मेरा एक रणदीप के साथ एक कन्फ्रंटेशनल सीन है, वो काफी वायरल हुआ. फिर मैं इम्तियाज के साथ चमकीला करके आता हूँ, प्लेइंग अ कैमियो एज अ सिख ऑफिसर, फाइल 323 में, 3 में मैं सुनील शेट्टी, तो एक अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं. अभी मुझे जैसे मैंने कहा कि मस्ती मस्ती में किया, देन आई रियलाइज दिस इज समथिंग आई एम एंजॉयिंग. हाँ, उससे ये तो समझ में आता है कि आई डेफिनेटली फील एक्टर्स लाइफ इज द बेस्ट. Is the best. Any day. So you have respect for producers more now being an actor? See, I've always had. It's not that I don't have respect for actors. That's a craft. When I say best life, in the sense that everybody around you is working towards your performance or in making you comfortable. फिर आपको सिर्फ अपने आप पे काम करना है. और producer का उल्टा है. उसको सबको साथ में लेके चलना है. अगर film अच्छी करती है तो director कहेगा देखा. मेरी वजह से हुआ. एक्टर कहेंगे देखा. और अगर फिल्म नहीं अच्छे कहेंगे तो प्रोड्यूसर ने गुफा कर दिया. तो मुझे लगता है प्रोड्यूसर बहुत अंडररेटेड है हमारी इंडस्ट्री में. और मुझे अगेन बहुत खुशी और फक्र है कि मैं थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी शायद थोड़ा ले पाया हूँ, क्योंकि ले आया हूँ. बिकॉज प्रोड्यूसर जॉब इज वेरी टफ. इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉमर्स और स्पेंडिंग मनी, और सब तमाम चीजों को आपका ध्यान रखना है, आपको साथ लेकर चलना है, आपको फिल्म बनानी है, आपको फिल्म को सेल करना है. कई बार कुछ क्रिएटिव लोग बोलते हैं कि अरे यार पैरासाइट हैं, बाकी जो सब लोग हैं वो सिर्फ हम ही हैं, वो मुझे लगता है गलत है. या फिर प्रोड्यूसर बोलते हैं कि अरे मैंने बनाया, यू नो जैसे कर्ज में था मॉन्टी, आई एम द मेकर मॉन्टी, तो वो भी नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है कि लाइक आई सेड, कि दोनों चीजों का मिश्रण, दोनों चीजों का जो मिलन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिएटिव को कमर्शियल को भी समझना चाहिए, कमर्शियल को क्रिएटिव समझना चाहिए, और ये कंधे पे हाथ रख के ही काम होना चाहिए और होना भी चाहिए. एंड एंड ऑफ द डे इट्स अ जॉइंट एफर्ट. 20-22 क्राफ्ट हैं फिल्म मेकिंग के, वो सब डिपार्टमेंट लग के और एक फिल्म तैयार होती है. सो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी, ऑल दोज क्राफ्ट्स एंड एवरीबडी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी डिपार्टमेंट.
तो राहुल जी एक्टिंग को सीरियसली कब से आपने लेना शुरू किया, क्योंकि आप किए ही जा रहे हैं किए जा रहे हैं, लोग आपसे कह नहीं रहे कि भाई आप प्रोड्यूसर से एक्टर आप डायरेक्टर भी बनेंगे क्या, मतलब डिस्करेज भी करते हुए लोग आपको? शुरू में तो मस्ती में एक सीन कर लिया, जैसे मैंने कहा कि चलो एक कैरेक्टर नहीं मिल रहा तो प्रोड्यूसर हूँ, पैसे भी बच रहे हैं और मजा आ रहा है तो रोल कर लेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर अविनाश के बाद फिर चमकीला इम्तियाज अली की फिल्म है जो करके आता हूँ, आई स्टार्ट रियलाइजिंग आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस, और एक क्राफ्ट तो है ही और उसमें मजा आ रहा है। बिहाइंड द कैमरा जो भी एक्सपीरियंसेस थे उससे डेफिनेटली सीखने को मिलता है, लेकिन अब जो है बारीकी थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। आई थिंक इट्स अ फन जॉब, मुझे लगता है कि अगर आप इंजॉय करते हैं तो एक्टिंग से बेटर प्रोफेशन है ही नहीं। तो इंस्पेक्टर विनाश के बाद और मेरे जो क्लिप्स थोड़े एक दो क्लिप थोड़े वायरल हुए, ऑफर्स आ रहे हैं, वुड यू लाइक टू ऑडिशन फॉर दिस दैट, तो अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि अब मैं वही करूँ जहाँ पे एटलीस्ट पैसा तो मिले। नो पैसा मिलेगा ये भी मतलब है कि इट्स ऑल्सो वे टू सी दैट गुड कॉन्टेंट कम्स योर वे। तो आज ही सुबह मुझे एक अच्छे डायरेक्टर ने जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं वो कुछ सुना के गए हैं, मुझे एक किरदार में चाह रहे हैं, नवंबर में शूटिंग है, एक दो वेब सीरीज के लिए मैं कंसिडर किया जा रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे कोई बहुत एग्रेसिवली इसको परस्यू नहीं कर रहा हूँ, बट ऑर्गेनिकली जो भी अगर कुछ काम आता है और अगर मुझे लगता है कि अच्छा है और मैं करना चाहूँगा तो आई एम रियली एंजॉयिंग द प्रोसेस, और बाकी सारी चीजें कर ली तो अब चलिए। एज अ चैलेंज ले रहे हैं, किसी ने आपको चैलेंज किया था, जैसे कि आपने कहा कि आपको चैलेंजेस जो है एक्सेप्ट करना बहुत पसंद है? मैं किसी से कंडीशन होता नहीं हूँ, मैं खुद को ही चैलेंज करता हूँ और खुद की ही जिदें पूरी करता हूँ, तो आप ये समझिए कि एक ये भी जिद थी जिसको मैं पूरा कर रहा हूँ और मजा ले रहा हूँ जब तक जितना काम कर सके। यू नेवर नो इसके बाद और क्या है, बट यू शुड एंजॉय एवरीथिंग दैट लाइफ ऑफर्स एंड नथिंग गेट्स वेस्टेड इन द जंगल। जो भी आप लाइफ में करें उसको अच्छी तरह से करें, बस मैं यही करना चाहता हूँ। तो कुछ दो लाइन, कुछ शेर शायरी, पोएम या कुछ सुनाना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं कास्ट करने के लिए? नहीं पोएम तो नहीं, बट जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं यही सबको बताना चाहूंगा कि कुछ भी आप नया करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, ज्यादा ये नहीं हो सकता, क्या कर रहे हो, ओ माय गॉड। और वो समय है जब आपको ये फैसला करना है कि क्या आपको आगे बढ़ना है कि आपको इन लोगों की सुननी है, चैलेंज एक्सेप्ट करना है। वो चैलेंज आपको करेज जो है वो बहुत जरूरी है उस समय, वो क्योंकि लोग कहेंगे देखिए समंदर में आप डूब जाएंगे, तो उस समय आपको नहीं नहीं मैं कश्ती हूँ मैं तो पार हो जाऊंगी, और उस समय आपको मेहनत करनी है। और अगर आपने ऑनेस्टली ये किया तो मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कोई एक दिन समंदर खुद कहेगा, क्या कहेगा, कि बस इतनी सी बात समंदर को खल गई कि कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई। तो ऐसा ही बनिए और देखते रहिए ये शो, कॉफी अभिषेक पीजिए फिल्टर्ड, लेकिन आप शो जो है वो देखिए अ डे Unfiltered with Pooja. Thank you so much, Rahul ji. Thank you so much. Thank you so much. God bless. Sara, long shot hai, close bhi kiya hai. Made. Rahul ji, actor banne ka kaise socha? Aap producer the, ab as an actor bhi aap aage upar. Sorry. Upar aa raha hai.